एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आप लोगों ने ना टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सही देखा है, मैं अभी की अभी स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेने जा रही हूँ। अभी आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, उन सबका जवाब आपको अभी मैं देने वाली हूँ। अभी मैं दिल्ली आई हुई हूँ, बस मैंने अभी लंच किया और अभी मैं डिलीवरी लेने जाऊंगी। तो भाई स्कॉर्पियो की डिलीवरी लेने जा रहे हैं ये वाली एंडेवर पे। यार ये पुरानी वाली एंडेवर है, इतनी ज्यादा बड़ी है ना, मेरी पंच तो जरूर से इसके अंदर पूरी आ जाएगी और एक स्कूटी का मार्जिन अलग से बच जाएगा। कभी मौका लगा ना तो अपने गैरेज में ये वाली एंडेवर भी जरूर रखूंगी, ये भी ब्लैक कलर में रखूंगी, कितनी ज्यादा बड़ी लगती है देखने में। और मेरे साथ कौन लेने जा रहा है स्कॉर्पियो? अगर आपने मेरी पहली वीडियो में देखा होगा तो ये मिस्टर जुगाड़ू ध्रुव है, मैंने बताया था आप लोगों को। क्वालिटी जुगाड़ू क्वालिटी जुगाड़ू सॉरी। तो आप भी एक्साइटेड हो जितनी मैं एक्साइटेड हूँ? बहुत ज्यादा। ये स्कॉर्पियो इनकी अरेंज करके दी हुई है। तो भाई हम लोग निकल गए हैं एंडेवर में बैठ के, और यहाँ पे ना यार कोई परफ्यूम नहीं लगा हुआ था ध्रुव भाई की गाड़ी में, तो यहाँ पे मैंने इनको इन्वॉल्व का ब्लैक स्टोन परफ्यूम गिफ्ट कर दिया है। इतनी बड़ी गाड़ी है, मतलब पीछे तक खुशबू आ रही है। आप बताओ आपको कैसा लगा भाई? बेहतरीन बेहतरीन। ये तो यार मेरे बैग में पड़ा था तो मैंने ध्रुव भाई को गिफ्ट कर दिया। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों के लिए 10% का डिस्काउंट भी है, कूपन कोड हर गैरेज यूज कर लेना। ये जो एंडेवर है ना, ये इतनी बड़ी है और उसके ऊपर से ऊंची इतनी है। देखो हम ऊंचे बैठे हैं और ये लोग नीचे बैठे हैं। पीछे वाली सीटें इतनी ऊंची है, मुझे लग रहा है मैं ही गाड़ी चला रही हूँ, मुझे इनसे ज्यादा विजिबल हो रहा है बाहर का। भाई ये वाली ना 4x4 एंडेवर है और ये है कौन सा मॉडल है? 2009। अभी बताओ ये कितने की लिया आपने 4x4? 2 लाख रुपए की इन्होंने ले लिया है। मतलब स्टीरियो वगैरह सब कुछ, 2 एम्प कंपोनेंट वगैरह इंस्टॉल सब कुछ था, और आगे अभी बहुत भी और भी एक्सेसरी लगी हुई है बहुत सारी, सब कुछ इंस्टॉल थी ऑलरेडी। और मतलब ये ना बाहर से इतनी तगड़ी गाड़ी लगती है ना, ऐसा लगता है कोई गुंडा मवाली अंदर बैठा होगा। उसके ऊपर से प्रतीक भाई है हमारे, जो बोलते बिल्कुल नहीं है पर ये गुंडे से कम नहीं लगते। हाँ भाई हफ्ता निकाल टाइप्स है ये, बिल्कुल देखने में बोलते नहीं है, ये अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। तो ये गाड़ी इतनी बड़ी लगती है ना, इतनी डरावनी लगती है। मेरे को दे दोगे ये? झूठ बोल रहे हो कैमरा पे? अरे नहीं नहीं आप ले जाओ, गंगानगर ले जाओ। अच्छा फिर वापस तो देनी पड़ेगी आपको? आगे वो तो देनी प्लानिंग है बड़ी, बहुत जगह ले जाने की। भाई ये रही अपनी स्कॉर्पियो, डिलीवरी लेने के लिए एकदम तैयार है। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्कॉर्पियो ये महिंद्रा का शोरूम तो नहीं है, पता नहीं कौन सी जगह है। तो बस एक मिनट दो मुझे, मैं इसका कपड़ा उतार लूँ, इसकी अनबॉक्सिंग कर लूँ, उसके बाद आपको सारी कहानी बताती हूँ। तो भाई अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, इसका क्लोथ वगैरह सब अपने निकाल देते हैं, रिवील करती हूँ आपको स्कॉर्पियो। तो भाई ये रही अपनी स्कॉर्पियो, ये मैंने ही ली है, मेरी ही स्कॉर्पियो है ये। अभी सबसे पहला डाउट जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि आपने तो कहा था कि मैं नई वाली स्कॉर्पियो लूंगी, तो वो क्या आप झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रही थी। नई वाली स्कॉर्पियो जब आएगी ना तो उनमें से पहली वाली स्कॉर्पियोज में से ही अपने वाले वो वाली भी लेंगे। अभी के लिए मैंने ये लिए। ये मैंने क्यों लिए मैं आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। ध्रुव भैया फ्रेम में आ जाओ। अभी इस बंदे की शक्ल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने ये वाली स्कॉर्पियो क्यों ली है। अगर फिर भी आप लोग नहीं समझे हो तो वो आपको इससे अगली यानी कि कल आने वाली वीडियो में समझ आ जाएगा। और इसका जो नंबर है वो भी मैंने इंटेंशनली हाइड कर रखा है आज की वीडियो के लिए। मैं इसका नंबर आपको रिवील करूंगी अगली वीडियो में, बताऊंगी अगली वाली वीडियो में, आपको सब कुछ पता चलेगा कितने की ली, क्यों ली, क्या करवाना है मुझे, मैंने ये लेने का क्या कारण था, कौन सा मॉडल है, सब कुछ अगली वीडियो में आपको पता चलेगा। अभी इसकी कंडीशन आप देख सकते हो। अब ये सोच रहे होगे आप कि क्यों मैंने एकदम से इतनी पुरानी सी स्कॉर्पियो ले ली, क्या रीज़न था, कुछ बताया भी नहीं आप लोगों को, कुछ अपडेट भी नहीं किया और फिर भी ले ली। तो अभी आपको वो सब ना कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। आज वाली वीडियो में बस मैं इतना ही आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।